श्रीनगर की ट्रेजरी में करीब 38 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर उपकोषागार के एक ऑफिसर नरेंद्र खत्री ने कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये पता चला कि कोषागार के ही दो कर्मचारी लेखाकार सुभाष चंद और लेखाकार हरिदर्शन बिष्ट ने दस्तावेजों में हेर फेर करके करीब 38 लाख रुपए का गबन किया। मेरे यहाँ जो दो कर्मचारी थे, एक लेखाकार सुभाष चंद था और एक सहायक लेखाकार स्वर्गीय श्री हरिदर्शन सिंह बिष्ट था। इन दोनों ने जो है सरकारी धन का जो है गलत उपयोग करके 38 लाख की सजा 417 का गबन किया है, जिसकी तहरीर मैंने थाने में दे चुका हूँ। राजस्व की जो हानि हुई थी मैंने वो उसको पूरे को पूरा वसूल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक रिटायर कर्मियों का फर्जी दस्तावेज बनाकर पैसों की हेर फेर किया करते थे। कुछ मृतक पेंशनर और कुछ फेक आईडी के माध्यम से करीबन 38,61,000 के समथिंग गबन किया है सरकारी धन का। केस रजिस्टर्ड हुआ, जांच मेरे द्वारा की जा रही है। मैं इनसे डॉक्यूमेंट लूंगा कि कितने मृतक है, कितनी फेक आईडी है और किस अकाउंट में गई है, वो बैंक से वेरीफाई करूंगा। उसके बाद अब अरेस्टिंग करेंगे जो अभियुक्त। इन सारे पैसों का हेर फेर 2016 से 2020 के बीच में किया गया था और हाल ही में इनमें से एक घोटालेबाज जिसका नाम हरिदर्शन बिष्ट था, उसकी मौत हो गई। हालांकि खबरों के अनुसार दोनों आरोपियों से गबन किया हुआ सरकारी पैसा वापस कर लिया गया है। श्रीनगर से उत्तराखंड तक के लिए तेजपाल सिंह की रिपोर्ट।